नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वादे से पलटा पाकिस्तान, भारत नाराज। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के इस बयान का खंडन किया कि पाकिस्तानी जेआईटी का दौरा आदान प्रदान के आधार पर नहीं हुआ था और कहा कि इस टीम के भारत आने से पहले दोनों पक्ष सहमत हुए थे कि यह आपसी आदान प्रदान के आधार पर होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हमने पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आतंकवादी हमले की जाँच के लिए जेआईटी टीम के दौरे पर पाक उच्चायुक्त के आदान प्रदान संदर्भ में बयान देखे हैं। इससे पहले पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा था कि मेरे विचार से पूरी जांच आदान प्रदान के आधार पर नहीं है। यह घटना की तह तक जाने के लिए सहयोग देने या दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को सहयोग पहुंचाने को लेकर कहीं ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा समय में शांति प्रक्रिया निलंबित चल रही है। मालेगांव धमाका मामले के गवाहों के बयान गायब। 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में कुछ गवाहों के इकबारिया बयान विशेष मकोका अदालत से गायब है। अधिकारियों ने दस्तावेजों की तलाश शुरू कर दी है। ये मुद्दा उस समय सामने आया जब विशेष अदालत के कर्मियों ने पूर्व विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सेलियन से संपर्क कर जानना चाहा कि क्या इस मामले के कुछ गवाहों के बयानों वाले दस्तावेज आपके पास है। सेलियन ने कहा कि मैं चौंक गई जब मुझसे ऐसा सवाल किया गया। जिन गवाहों के बयान गायब बताए जा रहे हैं में रामजी काल सांगारा के एक करीबी सहयोगी का भी बयान शामिल है, जिसने एक मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया था कि महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोटक रखने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने के लिए चेताया। अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेताया है कि वे पाकिस्तान में जारी सांप्रदायिक हमलों समेत आतंकवादी हिंसा के मद्देनजर वहां की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से जुड़ी हालिया यात्रा चेतावनी में ये बात कही है। वहां के कई विदेशी एवं स्थानीय आतंकवादी समूह देश भर में अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरा बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा एक गंभीर खतरा बनी हुई है और पाकिस्तान सरकार ईस्ट निंदा कानून अब भी लागू कर रही है। हालांकि इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास और कराची स्थित इसका वाणिज्य दूतावास अपने नागरिकों के लिए दूतावास संबंधी सेवा मुहैया करा रहा है। पेशावर वाणिज्य दूतावास अब दूतावास संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है और लाहौर में वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।